अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू देसी फूड। आज हम बना रहे हैं वाइट बीन्स। वाइट बीन्स के लिए हमने एक प्याज लिया है, उसको हमने पहले से ही चॉप करके हमने फ्राई करना है। एक प्याज आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने बीन्स ले लेने हैं और उनको इस तरीके से बॉईल कर देना है। ये इस तरीके से आपने बॉईल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 4 से 5 हज़ार हरी मिर्च डाल देंगे, इस तरीके से देख लें आप। और अब हम डालेंगे लहसुन और अदरक। ये देखें फाइनली कितना अच्छा चॉप हुआ है, इस तरीके से चॉप हुआ हुआ अदरक और लहसुन, ये देखें इसमें आ गया, ठीक है। अब इसको फ्राई करेंगे। सो गाइस, ये देखें कितने अच्छे से हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका है और साथ में हमारा अदरक लहसुन भी और ये मिर्च भी कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। इसका कलर चेक कर रहे हैं, हमने ले लिया जी एक टमाटर, इसका इस तरह से हमने पेस्ट बना दिया, ठीक है। इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, ऐसे हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। बस टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से मिक्स कर देना और कढ़ाई में तरीके से आपने मसाला जो है भून लेना। इसका कलर कच्चा है, भी पक जाएगा आपको कलर दिखा। तो गाइस अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं मसाले। मसाले में हमारे पास है नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ले लेना, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे साथ ही हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून आपने हल्दी शामिल करनी है। ये देखो मसाला हमारा देखो भुनना शुरू हो गया, कलर चेंज होना शुरू हो गया। हल्दी डालने के बाद आप इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी भूननी होती है। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला तड़का बना रही है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब हम मसाले मिक्स करेंगे ताकि साथ में मसालों की भी अच्छे से बनाई है। और ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा से अच्छा मसाला बोल रहे हैं। आपने देखो मैंने आपको कहा था कि कलर सस्ती है, बोल रहे हैं रेड खा जाइए अच्छा कलर था। और ये ऑयल छोड़ने लग गया, तो सही से ऑयल छोड़ेगा मसाला। मैं आपको बताती हूँ, बन जाए। ये देखे ऑयल छोड़ दिया मसाले में, ये देखो उनको मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन तकरीबन 1 चम्मच के करीब शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब आपने दही शामिल करना और उसको मसाले में बहुत अच्छे से भून लेना। दही से ये होगा कि आपके ग्रेवी में थोड़ा टेस्ट आ जाएगा और ग्रेवी अच्छी लग जाएगी, कोई पता नहीं आता। तब भी आप ही ऐड कर सकते हैं कि इसका समझ में डाल रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है दही की ग्रेवी सटी सूटी। ये देखो इसमें भी अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। मसाला आप जितने अच्छे से भुनोगे उतनी अच्छी हांडी तैयार होगी। अब मजीद मसाला नहीं भुनेंगे हम, मसाले ने बिल्कुल ऑयल को देखे ऑयल भी खराब हो गया। इस तरीके से आपने बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई बीन्स, ये देखो मसाला बॉइल, ये
वाइट बीन इसमें थ्री पीस ऐड कर दूंगा। ओके गाइस अब हम ये देखेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए एक मिनट हमने इसको भून लिया, ऑयल छोड़ दिया इसके। अब इसमें हम एक ग्लास पानी शामिल करेंगे और देखेंगे कि हमें और पानी तो नहीं चाहिए। मिर्च को खाने का बहुत मजा आएगा क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं तो अभी दिल कर रहा है खा लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस ये देखिए पानी डालने के बाद हमारे पास ऐसे मिक्सचर आ जाएगा। आपको बताऊँ सिर्फ पानी नहीं है, ये देखिए लोबिया भी अभी इसमें, ये अभी कच्चा है, अभी इसको गर्म होना है और ये बॉयल होगा। ये बॉयल होके थोड़ा थिक हो जाए, जितना आपको चाहिए आप उतना उसका रख सकते हैं थिकनेस। इसको बॉयल होने का वेट करते हैं। ये देखिए हमारे पास मिक्सर बॉयल होने शुरू हो गया। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गई, हमारे पास देखा बॉयल हो रहा है। 5 से 6 मिनट तक मुझे बॉइल करेंगे हम ताकि ये थिक हो जाए, पानी भी पक जाए। और ये लोबिया मैं बस देखें कैसे ये देखें थिक होना शुरू हो गया। ये देखें पानी हमारा चेक कर सकते थिक हो रहा है। थोड़ा सा और पुश करेंगे हम इसे, थोड़ा ड्राई हो जाए पानी, फिर हम इसको चेक करते हैं। पानी मेरे पास ये देखिए ड्राई हो चुका है और लोबिया मेरे पास थिक फॉर्म में आ गया। गाइस हमें इतना ही थिक चाहिए लोबिया, इससे ज़्यादा हमने नहीं ड्राई करना। थोड़ा थोड़ा पानी रखना है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। कम कर देंगे मिक्स, ऐसे हल्का सा मिक्स ऊपर ऊपर ही रहने देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, अदरक और ये हमारे पास इस तरीके से सब्ज मिर्च। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। ओके गाइस हमारे पास ये रेडी है जी, मज़ेदार सा लोबिया। ये देखिए ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा बना, सबने इंजॉय किया। और लाइक कर दें मेरी वीडियो को और साथ में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाफिज़।